पढ़ते हैं बच्चों हम लोग मेजरेबल प्रॉपर्टीज। गैस को मेजर करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली मेजर करने के लिए प्रॉपर्टी है हमारे पास मास। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम मेजर करते हैं वो है मास। पहली प्रॉपर्टी गैस का मास कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। ये एक फॉर्मूला है n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, जहां पर m है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एम है जो गिवन मास होगा, आपको जो मास दिया जाएगा मतलब ग्राम में दिया जाएगा आपको जो मास जो गिवन होगा, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन। अभी कितना भी दिया जा सकता है। एन यहाँ पे क्या है, अवोगैड्रो नंबर है। अवोगैड्रो नंबर आप लोग 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, अवोगैड्रो नंबर है एन यहाँ पर। और ये गैस का ही मास होगा, गैस का। ओके, अब ये जो एन है अवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 1 मोल ऑफ गैस। अवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स 1 मोल गैस में होते हैं। 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन इतने इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर। दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी है बच्चों वॉल्यूम। दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। हम लोग मास के टर्म में इसकी स्टडी करेंगे और वॉल्यूम के टर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम में जो हम लोग मेजर करेंगे मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10^3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, या इसको 10^6 सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं 1 मीटर को, और ये है डेसीमीटर क्यूब, ये है सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही 1 लीटर में अगर हम ले इसको, अगर हम इसको 1 लीटर में ले तो 10^3 ml में आ जाएगा, ये 10^3 ml में हो जाएगा। और अगर हम इसको डेसीमीटर में लें, डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा ये 1 ml = कभी कभी ये चेंज करना पड़ता है बच्चों हम लोगों को, जब न्यूमेरिकल आते हैं ना और वैल्यू कहीं सेंटीमीटर में दी हुई है और कहीं पे लीटर में दी है, तो चेंज करने के लिए ये सब यूनिट बहुत जरूरी हैं। आपको पता हो कि कौन किस में कैसे चेंज किया जा रहा है। तो इस तरह से वॉल्यूम की ये यूनिट हो गई। अब नेक्स्ट आती है इसकी प्रेशर। तो प्रेशर को मापने के तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। प्रेशर के लिए ये बिगाड़ दो, नोट कर लिया, तो प्रेशर को भी देख लेते हैं हम लोग। प्रेशर
प्रेशर क्या है बच्चों, 180 प्रेशर आपका होता है मेजरेबल प्रॉपर्टी में, तीसरी है प्रेशर। प्रेशर में पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया है ना, फोर्स। ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं और इनकी यूनिट निकालना भी आप लोग सीख चुके हैं, जहां विमा और यूनिट निकालते थे ना, डायमेंशंस निकालते थे, वहां पर ही आपने सीखा हुआ है। और सारे ही बच्चों के पास फिजिक्स रहती है क्लास ट्वेल्थ में, तो कोई नई चीज नहीं बता रही हूं मैं। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये जस्ट रिविजन है, आपको सब आता ही है। एरिया है, एरिया अगर ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो आप लेंथ वगैरह टर्म में लिख सकते हैं, सीधे सीधे ए लिख दीजिए। ठीक, अब इसकी यूनिट निकाल लीजिए। यूनिट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया करके आपने अगर निकाला है तो। अब ये फोर्स अपॉन एरिया जो आपने लिखा है, तो एम इंटू जी, इसी की बात को तो लिख रहे हैं, एम इंटू जी अपॉन ए। ठीक, एम इंटू जी अपॉन ए, अब m इंटू जी अपॉन ए है। अब इसको हम m को फिर चेंज कर दें, मान लीजिए कि कोई हमने लिया है, m बराबर होता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। अब m आपका क्या हो जाता है, m बराबर v इंटू डी, मतलब वॉल्यूम इंटू डिस्टेंस है ना। और वॉल्यूम बराबर आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम बराबर आपका हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर आपका क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। मैं पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ ए इंटू एच। तो अब जो ये इक्वेशन आपने लिखी है, ये पहली इक्वेशन, और इन वैल्यू को अगर उसमें पुट अप कर दें हम, इसमें रख दें पी बराबर एम इंटू जी अपॉन ए, जो आपने ये लिखा हुआ है इसमें अगर हम ये वैल्यू रख दें, ये जो भी हमने निकाली है a इंटू एच इंटू डी इंटू जी, डी इंटू जी अपॉन a, a से a कैंसिल, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच डी जी है ना, ये आ जाएगा। तब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है, 180 एम बराबर, ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी। 3 इंटू 2 3 टू 5 इंटू 10 पावर 3, ये हो गई न्यूटन मीटर, इनवर्स माइनस 2, फिर इज इक्वल टू 101.325 इंटू 10 टू द पावर 3, इसी को हम लोग पास्कल बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 3.5, अगर पावर हटा दें तो किलो पास्कल हो जाएगा, किलो पास्कल। ठीक, आगे बढ़े, ये फॉर्मूला मैंने सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बताया, हालांकि हमको यहाँ पे सिर्फ यूनिट की जरूरत, क्योंकि मेजर करेंगे तो हमें यूनिट चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया। फिर 180 180 इज इक्वल टू 76 mmHg। ठीक, 760 mmHg इज इक्वल टू 76.0 सेंटीमीटर Hg। ठीक, हालांकि हमारे सबसे ज्यादा यूनिट यूज होती है वो यही होती है, इसी यूनिट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं या फिर इसका यूज करते हैं। ठीक है, बाकी यूनिट का यूज इतना होता नहीं है। फिर है आपका 2 यूनिट है 1 टॉर, टॉर में भी इसको नापा जाता है, TORR, टॉर इज इक्वल टू 1 mmHg। ठीक, और 1 bar इज इक्वल टू
ये होता है आपका 10^5 पास्कल। क्लियर। तो ये यूनिट ऐसे तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपका क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हो सकता है कभी यूनिट भी ही पूछ ले, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बता दिया। अब आता है लास्ट मेजरिंग यूनिट है इसकी, मेजरेबल प्रॉपर्टी जो लास्ट है इसकी वो है बच्चों टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को तो हमें दो में ही लेना है, लास्ट है इसकी टेम्परेचर। टेम्परेचर या तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, या अगर उसमें लेंगे बॉइलिंग पॉइंट लेंगे हम। बॉइलिंग पॉइंट हम ऐसा वाटर से देखते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये हम ले रहे हैं वाटर का, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर हमारे सारे जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही लाई करेंगे। अगर हम केल्विन में लेंगे तो ये आएगा 273 केल्विन। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। फिर उसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो उसमें हम ऐड करेंगे तो हम इसको केल्विन में लेंगे। तो बच्चों ये मेजरेबल यूनिट है जिसके द्वारा हम इसमें इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू ही हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखिए बच्चों, हैव ए नाइस डे, और पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई होती रहनी चाहिए।